आइए दोस्तों, अब हम ऑन अपडेट नो एक्शन, नो अपडेट रिस्ट्रिक्ट का प्रयोग करना देखते हैं। देखिए, हमारे पास पेरेंट्स टेबल, एक पेरेंट्स टेबल है जो कि M10 के नाम से है और उसकी इंसर्ट वैल्यू ये है। इसको सबसे पहले हम रन करते हैं, फिर इसकी वैल्यू को रन करते हैं और अब हम, ये तो हमारी पेरेंट्स टेबल हो गई। अब चाइल्ड टेबल बना लेते हैं जो कि Dev10 के नाम से है और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन अपडेट नो एक्शन, या आप इसको ऑन अपडेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपनी पेरेंट्स टेबल में अपडेट करेंगे। तो हम अपनी पेरेंट्स टेबल को अपडेट करते हैं जैसे ही, चलिए देखते हैं। तो वो एक एरर देगी हमें, देखिए नीचे दे दिया एरर। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहती है, इसको लिखें या ना लिखें, और इसको अपडेट करने पे ये हमें एरर देगी। अब चाहे हम ये इसको शो करके देख लें तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना होगा ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट या ऑन अपडेट नो एक्शन, जिसमें हम कुछ भी वैल्यू देंगे पेरेंट्स टेबल में तो वो हमें एरर देगी। ओके दोस्तों।